अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ द हॉट टॉपिक इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में? किस प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा हाइप है एयर ड्रॉप के हवाले से? करंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सेलेसिया और उसके इकोसिस्टम की मार्केट में हाइप है। ये बैकग्राउंड पे आपको सेलेसिया की वेबसाइट नज़र आ रही है। आप में से बहुत से लोगों जो मुझे इल्म आलम चैनल पर फॉलो करते हैं, मैंने आपको बताया था कि सेलेसिया के टीआर टोकन मुझे भी एयर ड्रॉप मिले हैं। सैडली वो टोकन मैंने $2.15 पर सेल करके कुछ 600 $650 का प्रॉफिट मैंने बुक करवा लिया था। लेकिन वो जो $2 का टोकन मैंने सेल किया था मेरे दोस्तों भाइयों, आज वो 15, 16, 17 डॉलर के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मार्केट क्रैश कर रही है सारी, लेकिन सेलेसिया के टोकन की डिमांड ख़त्म नहीं हो रही। लोएस्ट प्राइस पिछले चंद दिनों से अगर देखें तो $14 से, अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 15 डॉलर के ऊपर ऊपर ये ट्रेड हो रही है। हालांकि BTC की प्राइस 49,000 को टच करके दोबारा 42,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है। मार्केट सारी क्रैश कर रही है लेकिन सेलेसिया के टोकन की डिमांड ख़त्म नहीं हो रही। वजह क्या है कि मार्केट में हाइप है कि सेलेसिया के इकोसिस्टम पे लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट अपना टोकन एयर ड्रॉप करेंगे। किन को करेंगे? आसान तरीका, एक तो ज़ाहरी बात है उन प्रोजेक्ट जो टोकन एयर ड्रॉप करेंगे उनके साथ अर्ली टाइमिंग में आप इंगेज होंगे तो आपको मिलेगा। और दूसरा आसान तरीका कि अगर आपने सेलेसिया के टिया टोकन स्टेक किए हैं तो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। तो इस वजह से मार्केट में धड़ाधड़ जो एयर ड्रॉप फार्मर्स हैं, जो फ्री टोकन की फॉर्मिंग करते हैं, वो मार्केट में सेलेसिया टोकन बाय कर रहे हैं और वो उसको स्टेक कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आपको ये सारा प्रोसेस गाइड करता हूँ कि कैसे आप सेलेसिया के टोकन इवन खरीद सकते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको एयर ड्रॉप कर सकते हैं और किस तरीके से हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये सेलेसिया की वेबसाइट है, आप यहाँ पे इसका जाके ड्यू डिलिजेंस करें। कॉइन मार्केट के ऐप में जाएं और वहाँ पे जाके आप इसका अच्छी तरह ड्यू डिलिजेंस करें और यहीं पर आप इनकी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह आप ट्विटर पर, डिस्कॉर्ड पर इनको फॉलो करें। और उसके बाद अगली चीज़ जो सेलेसिया के एयर ड्रॉप के लिए आपको चाहिए वो आपका नेटिव पर्सनल क्रिप्टो वॉलेट चाहिए। मैं आप तमाम दोस्तों को, जिन लोगों को क्रिप्टो पर्सनल वॉलेट की मालूमात का नहीं पता, मेरे इसी चैनल पे क्रिप्टो वॉलेट के ऊपर कोई 5-6 वीडियोस मौजूद हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि पर्सनल वॉलेट में जब आप फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू होता है। तो वो मेरी 5 वीडियोज़ आपने लाजमी वॉच करनी है। तो आपको जो कॉस्मोस के वॉलेट्स हैं चाहिए होते हैं, कॉस्मोस के बहुत से वॉलेट्स हैं, कैपलर है, लीप है, पॉपुलर जो है। मैं आपको इस वीडियो में, चूँकि मैं खुद भी यही यूज़ करूँगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कैपलर वॉलेट जो है वो इंस्टॉल करें। अच्छा, इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जितनी वेबसाइट का जिक्र करूँगा सब के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपने वॉलेट क्रिएट करना है। सेम जैसे मैंने कहा, वो वीडियोज़ वॉच करेंगे, वहाँ पर आपको वॉलेट क्रिएट करना, सारा प्रोसेस वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जब आप वॉलेट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपको अपने पर्सनल वॉलेट में, यानी आप अपने कैपलर वॉलेट में टिया टोकन लेने हैं। तो उसके लिए टिया टोकन आपने बाय करना है। बाय करने के बहुत से मेथड है। सबसे आसान तरीका, किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप जाके बाय कर सकते हैं। मैं आपको करंटली कुकॉइन पे सेलेसिया का टिया टोकन बाय करके दिखाऊंगा। अगर आप इसी प्रोसेस को करना चाहते हैं तो सबसे पहले कुकॉइन पे, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाएं। अकाउंट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा रेफरल लिंक मिल जाएगा अगर आप मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहें। अगर आपका अकाउंट है तो सिंपल, आप अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपने स्पॉट ट्रेड में आना है, यहाँ ऊपर सर्च करना है टिया USDT। जैसे ही खुल जाएगा तो यहाँ पे आपने मार्केट आर्डर में आके, जैसे कि मेरे यहाँ $115 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपने $110 का फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाई करना चाहता हूँ सेलेसिया, तो मार्केट आर्डर करेंगे तो आपका आर्डर फ़ौरन प्रोसेस हो जाएगा। आप लिमिट आर्डर भी लगा सकते हैं। जैसे ये प्रोसेस हो जाए उसके बाद अगला प्रोसेस है आपने फंड्स को विड्रा करवाना है। तो आपने जो कैपलर वॉलेट अपना इंस्टॉल किया होगा उस कैपलर वॉलेट को, वॉलेट में आपने टिया विड्रावल लेना है किसी भी एक्सचेंज से, बेशक आप बाइनांस है। मेक श्योर कर लीजिएगा कि जब आप विड्रावल लेने लगें आपका वो एक्सचेंज आपको विड्रा देता हो सेलेसिया के नेटवर्क के जरिए। जैसे कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा टिया टोकन और यहाँ पे नेटवर्क की, सबसे पहले कैपलर वॉलेट जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आके आपने ये सेलेसिया का ये टोकन है इसको आपने एड्रेस को कॉपी करना है। इन केस अगर सेलेसिया यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो आपने कैपलर के इस वॉलेट में आना है, मैनेज चेन विजिबिलिटी पे जाना है
और यहाँ पे जाके कॉस्मोस की जितनी चेन्स हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी, वहाँ पे आप सेलेसिया सर्च करेंगे तो आपको ये चेन नज़र आ जाएगी। इसका एड्रेस कॉपी करें, यहाँ फिर उसके बाद पेस्ट करें, अगेन बात आ गई नेटवर्क की, सेलेसिया का नेटवर्क यहाँ से सेलेक्ट करें और ये वाले फंड्स यहाँ से आप विड्रा करवा लें अपने कैपिलर वॉलेट में। अच्छा, यहाँ पे आपसे मेमो मांग रहा है, ये मेमो आपको पर्सनल वॉलेट में नहीं चाहिए होता, आपको ये एक्सचेंजेस में मेमो चाहिए होता है, क्योंकि एक्सचेंजेस में एक वॉलेट कई यूज़र्स को उन्होंने दिया होता है, तो वहाँ पे मेमो के ज़रिए वो यूज़र्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कैपिलर वॉलेट में लेने के लिए आपने मेमो में कुछ एंटर नहीं करना, ठीक है। जैसे ही आपके पास विड्रावल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपने यहाँ कैपिलर वॉलेट को खोलना है, ऊपर ये स्टेक की ऑप्शन है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके ये स्टेक विद कैपिलर डैशबोर्ड, इस डैशबोर्ड को खोलना है। जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे वो टिया टोकन जो आपने यहाँ पे लेके आए हैं, उन टिया टोकन को आपने यहाँ स्टेक करना है। अच्छा, स्टेक के लिए जो कैपिलर का डैशबोर्ड है स्टेकिंग का, उसको खोलना है, यहाँ से चेन सर्च करनी है सेलेसिया, और उसके बाद आपने अपने जो टिया टोकन है इन वैलिडेटर्स को स्टेक कर देना है। जैसे कि करंटली आप देख रहे हैं मेरी जो स्टेक अमाउंट है वो 23, यानी मैंने 23 टिया टोकन स्टेक किए हैं, कम है। याद रखिएगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कम अज कम 10 और बेस्ट जो है वो 100 टिया टोकन हो, अगर हो सकते हैं तो, अगर नहीं तो नो प्रॉब्लम, मैं 23 के साथ भी टोकन्स वगैरह ए ड्रॉप क्लेम कर रहा हूँ, एक दो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। तो यहाँ पे जब आप वैलिडेटर्स की लिस्ट आएगी तो कोशिश करें उन वैलिडेटर्स को सिलेक्ट करें जो कि टॉप 10 से बाहर है। वैसे अगर आप टॉप 10 को सिलेक्ट करेंगे तो वो जाहरी बात है टॉप 10 में शामिल होते हैं, आपके फंड्स मच सिक्योर रहेंगे। लेकिन अगर आपने डिसेंट्रलाइजेशन को प्रेफर करना है तो आप कोशिश करें जो टॉप 10 से बाद में आते हैं उनको। अब टॉप 10 से कैसे पता चलेगा, ये वोटिंग पावर से, वोटिंग पावर जिसकी मतलब इतनी ज़्यादा ना हो, टॉप 10 से बाहर बाहर हो, और दूसरा उसकी कमीशन आपने चेक करनी है। ये आपको कमीशन नज़र आ रही है कि जितनी आप स्टेकिंग पे यील्ड अर्न करेंगे, मेरा ख्याल है अप टू 16% है। ये स्क्रीन पे अगर आप नज़र डालें, इस वक्त अगर आप सेलेसिया टोकन स्टेक करते हैं तो आपको एयर ड्रॉप तो जो मिलने हैं सो मिलने हैं, साथ आपको 16% पर एनम आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, यील्ड भी मिलेगी, और ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे उसको आपने चूज़ करना है जो मिनिमम फीस चार्ज करता हो। मैंने वैसे P2P ORG पे स्टेक किया है। याद रखिएगा, आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 टोकन स्टेक करने हैं तो आप कोई 12-13 टोकन लेके आइएगा, ताकि 10 को आप यहाँ पे स्टेक कर दें, बाकी एक तो टिया टोकन अपने पास गैस फीस के लिए रखें, और दीगर इनके इकोसिस्टम पे जो आपने एक्टिविटीज़ करनी है वहाँ पे आपको गैस फीस के लिए टिया टोकन चाहिए। तो आपने यहाँ पे चूज़ करना है, और अगर आपके पास फंड ज़्यादा हैं, लेट से 100 है, तो फिर एक ही वैलिडेटर को डेलीगेट करने की बजाय एक से ज़्यादा को आप डेलीगेट कर दें, ठीक है। तो इससे आपकी फंड्स की सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा, अब फंड्स की सिक्योरिटी हो जाएगी। अच्छा, अब कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं इकोसिस्टम के जिसमें आप इंगेज हुए तो आपको वो एयर ड्रॉप करेंगे? कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एयर ड्रॉप कर भी दी हैं, जैसे कि ये डायमेंशन है, ये इल्मे आलम के चैनल पर मैंने शेयर किया था। डायमेंशन सिर्फ टिया टोकन वालों को नहीं, बल्कि और भी जो EVM चेन वाले हैं और नॉन EVM चेन वाले, जैसे अगर आप इथीरियम के एक्टिव यूज़र हैं, सोलाना के एक्टिव यूज़र हैं, यहाँ पे आपको सारा नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं टिया का अपना टोकन जो अभी मैंने कॉपी किया, इसको मैं पेस्ट करता हूं, तो डायमेंशन ने मुझे बदले में 205 डाइम टोकन दिए, और ये 8 दिन बाद जाके क्लेम करूंगा। आपने यहाँ पे अगर तो ऑलरेडी एक्टिव हैं तो यहाँ पे आप जाके डाइम के टोकन क्लेम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, दूसरा जो इकोसिस्टम मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेलेसिया का, वो है मिल्की वे। मिल्की वे सेलेसिया की चेन के ऊपर एक लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, यानी यहाँ पे अगर आप सेलेसिया को स्टेक करते हैं तो बदले में आपको ये पेज टोकन दे देंगे। वो सेलेसिया का इकोसिस्टम जब ग्रो करेगा, वहाँ पे आप जाके उसके डिफरेंट यूज़ केसेस हैं, लाइक उस पैच टोकन की आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करके अलग से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने अपने इल्मे आलम चैनल पे एक आपको जो पैच आर्बिट्राज स्ट्रेटजी थी वो भी शेयर की थी, उसमें यह है कि आपने सेलेसिया टोकन को आपने स्वाप करना है ये जो मिल्की वे का पैच टोकन है, क्योंकि उसके पैच प्राइस में फ़र्क है। लाइक अगर 10 आप सेलेसिया टोकन स्वाप करते हैं ये मिल्की वे के सेलेसिया पैच टोकन में, तो आपको
10 नहीं मिलेगा बल्कि 10.5 या इससे ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद उनको दोबारा यहाँ पे अपने वॉलेट को कनेक्ट करें और उसको अनस्टेकिंग पे लगा दें। चूँकि ये सेलेसिया के टोकन कॉस्मोस की जेन में जितने आप टोकन स्टेक करते हैं उसकी अनस्टेकिंग पे तकरीबन कोई 21 से लेके 24-25 दिन लगते हैं अनस्टेकिंग में। तो जब आप वहाँ से अपने सेलेसिया को स्वाप करेंगे अपने मिल्की वे के पैच टोकन को और दोबारा इसको अनस्टेक करेंगे और अनस्टेकिंग पे 21-22 दिन लगेंगे, जब आप दोबारा करेंगे तो उतने ही आपको सेलेसिया के टिया टोकन मिलेंगे जितने आप अनस्टेक करेंगे। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं 100 की मिसाल देता हूँ, 100 है तो आप जब 100 टोकन को स्वाप करेंगे इनके मिल्की वे में तो आपको तकरीबन 110 या यूँ समझ लें 7 मिले। तो जब दोबारा आप अनस्टे करेंगे तो आपको 107 20-25 दिन बाद मिलेंगे। तो इस तरह आप पैच आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी भी उठा सकते हैं। लेकिन एक आसान तरीका एयर ड्रॉप के लिए कि मिल्की वेव में आप जाके टिया टोकन यहाँ पे स्टे करें, जैसे स्टेक नो पे क्लिक करें और यहाँ पे जितने आप टोकन टिया टोकन स्टे करेंगे बदले में उतने ही आपको इनका पैच टोकन जो कि मिल्क टिया है वो आपको उतना ही मिल जाएगा। और बाद में जब ये अपना टोकन एयर ड्रॉप करेंगे, वैसे तो आपको टिया टोकन जो पिछला मैंने कैपलर में स्टेकिंग का प्रोसेस बताया उसमें भी ये आपको देंगे, लेकिन अगर आप इनके प्रोटोकॉल के ऊपर इंगेज भी होंगे तो भी ये आपको देंगे। जैसे मैंने आपको कहा वो आप स्वाप करने के बाद विड्रा के ऊपर आएंगे तो आपकी अनस्टेकिंग का प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि मेरे वॉलेट में इस वक्त मिल्की टिया टोकन नहीं है, इस वजह से मैं विड्रा नहीं कर सकता ना ही टिया है, क्योंकि विड्रा करने में थोड़ा टाइम लगेगा। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, इसी प्रोसेस से आपने करना। उसके बाद अगला प्रोजेक्ट सेलेसिया का लाइट लिंक है। ये भी अभी अपनी टेस्ट नेट के ऊपर भी है, अपने मेन नेट के ऊपर भी है। तो आपने यहाँ पे जाके जो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, सबसे पहले तो आपने अपने फंड्स को ब्रिज करना है। टेस्ट नेट पर भी ब्रिज करें, अगर आपके पास इथेरियम की गोरली चेन में फंड्स हैं तो आप यहाँ पे टेस्ट नेट पर भी फंड्स को ब्रिज कर सकते हैं। ये देखें इथेरियम की गोरली चेन से आपने इथेरियम को ब्रिज करना है जो लाइट लिंक का पेगासस टेस्ट नेट है वहाँ पर। उसके बाद मेन नेट पर भी आप फंड्स को डिपॉजिट करें, ब्रिज करें, यहाँ से निकाल के मेन नेट पे निकालें। अगर आप ये दोनों एक्टिविटीज़ करेंगे तो ये एयर ड्रॉप में आपके काउंट होगी। दूसरा, इनकी गैलेक्सी पे कैंपेन भी चल रही है। यहाँ पे आपने गैलेक्सी में आके टोकन ब्रिज करने हैं। ये देखें गॉर्ली चेन से आपने लिंक इसके ऊपर करनी है, फिर उसके बाद ट्विटर पर इनको फॉलो करना है, रीट्वीट करना है, और उसके बाद आपने इनका लाइट लिंक का जो मेन चेन है वहाँ पर आपने ये NFT क्लेम करनी है, ये वाली 1 ईयर ऑफ लाइट लिंक फोनिक्स मेन नेट। आपने जब NFT क्लेम करनी है तो आपके अगर मेन इनका जो मेन चेन है वहाँ पे फंड्स नहीं है तो आपने गैस फीस में जाके एडिट पे क्लिक करना और वहाँ पे जो गैस फीस आपको शो हो रही है उसको आपने ज़ीरो कर देना। क्योंकि आप अगर तो आप ब्रिज कर लेंगे फिर तो आपको टेंशन नहीं है, फिर तो आप गैस फीस पे करके ये NFT क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फंड्स हैं ही नहीं, सिर्फ फ्री करना चाहते हैं टेस्ट नेट के लिए, तो उसके लिए मेन नेट में जब आप क्लिक करेंगे तो वो गैस फीस का एरर देगा आपको। वहाँ पे एडिट पे जाएं और वहाँ उसकी वैल्यू को ज़ीरो कर दें। जब आप ज़ीरो करके करेंगे तो आपका ये NFT क्लेम हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रोजेक्ट है मूवमेंट। मूवमेंट लैब ने भी एयरड्रॉप के हवाले से कहा। फिर इसके अलावा डोकी कोइन ने भी एयरड्रॉप के, अगर आप ये ओनली ओपन फॉर टिया, अगर आपने टिया स्टेक किए हैं तो ये डोकी कोइन भी आपको टोकन एयरड्रॉप करेगा। मेंटा को कैसे हम भूल सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोजेक्ट। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके साथ, मैं शेयर भी किया है, मैंने तकरीबन इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलरेडी मैं $12,000 फ्री एयर ड्रॉप क्लेम कर भी चुका और इंशाल्लाह अभी ये 2-3 दिन के अंदर अंदर ये कैंपेन एंड हो रही है और ये मेरे जो NFTs हैं ये सारे NFTs भी दोबारा मुझे मेंटा के एयर ड्रॉप करेंगे। तो याद रखिएगा मेंटा ने सेलेसिया के जो टिया स्टेकर्स हैं जिन्होंने टिया स्टेक किया होगा उनको भी अपना टोकन एयर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो वो जो पहले वाली एक्टिविटीज़ है वो मांटा के एयर ड्रॉप के हवाले से भी आपको क्वालिफाई करेगी। अगला प्रोजेक्ट है जी प्लमे। प्लमे नेटवर्क के आप आसान तरीका ये है कि आप इनका डिस्कॉर्ड चैनल पे जाके इनको फॉलो करें और इनकी ये एक जैली पे कैंपेन चाली है, इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करें, मैक्सिमम इनके डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहें, डिस्कॉर्ड पे ये जैली के सारे जो क्वेस्ट हैं ये कंप्लीट करके डिस्कॉर्ड पे रोल लें। जब ये अपना टोकन लॉन्च करेंगे तो तब आपको ये अपना एयर ड्रॉप करेंगे। और साथ साथ अगर आपने टिया टोकन भी स्टेक किए हैं तो एन मुमकिन है ये टिया स्टिकर्स को भी टोकन एयर ड्रॉप करें। उसके बाद अगला प्रोजेक्ट है जी आल्ट लेयर। आल्ट लेयर के भी बहुत हाइप है इसको, ये भी टेस्टनेट फेज पे है।
और इसके लिए आपने सबसे पहले अपना अपना जो आपका मेटामास है उसके साथ ये आल्ट का जो टेस्ट नेट है उसको ऐड करना है। यहाँ पे लिंक जैसे मैंने कहा कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फिलहाल चेन आईडी का एरर दे रहा था नाइट्रोजन। यहाँ पे ऐसे करके जैसे ही आप ये अपने मेटामास में इसके टेस्ट नेट को ऐड कर लेंगे नेटवर्क को, उसके बाद आपने यहाँ पे जाके इथीरियम जो है क्लेम करना है। इनका जो नाइट्रोजन यहाँ पे सर्च करिएगा और यहाँ पे गेट टोकन्स पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके, और ये टोकन ऐसे क्लेम करिएगा और साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। इस हवाले से आपको गूगल पे देखेंगे तो आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएगी कि कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट थर्ड वेब वेबसाइट के जरिए किसी भी चेन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट डिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि ये कैलडेरा है, इसके साथ भी इनके सोशल मीडिया पे इनको फॉलो करें यहाँ पे ट्विटर पे, और जिस तरह वो कैंपेन वगैरह इनकी चलती है उन कैंपेन में पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करेंगे तो कैलडेरा पे भी आपको, और इसके अलावा लास्ट में आपने ये सिलेसिया का पूरे इकोसिस्टम का पेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इनको वन बाई वन सारे इकोसिस्टम को जाके देखें, और जो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि अभी लॉन्च नहीं हुए होने वाले हैं उनको आप जैसे लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है, उनको ट्विटर पे फॉलो करें, डिस्कॉर्ड पे फॉलो करें, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ वो आपको देते हैं, क्वेस्ट देते हैं, उनको कंप्लीट करें, और जब वो टोकन एयर ड्रॉप करेंगे तो आपको एक तो टिया स्टेक करने पे भी और दूसरा उनके साथ इंगेज होने पे भी आपको सेलेस्टिया का टोकन और साथ साथ वो टोकन भी आपको अपना ऑफर कराएंगे। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।